सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी टेस्ट टुडे और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेस्ट टुडे में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग रेगुलर साइंस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिए फ्रेंड्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो सभी क्वेश्चन को आपको डिटेल से सीखने को मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन, धोबन सोडा जिसे वाशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स उसका रासायनिक नाम क्या है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के लिए कम से कम आपको 5 सेकंड मिलेंगे, तो आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा फ्रेंड। और जितने भी क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से और डिटेल से समझिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। और देखिए फ्रेंड्स, जो इसका सूत्र होता है, देखिए कभी सूत्र भी पूछ देता है, तो देखिए Na2CO3 10H2O इंटू 10H2O होता है फ्रेंड्स, तो इम्पॉर्टेंट है। देखिए सूत्र अच्छे समझ लीजिएगा, कभी सूत्र पूछेगा, कभी रासायनिक नाम पूछेगा। और देखिए फ्रेंड्स, एक सोडियम क्लोराइड दिख रहा है आपको, तो सोडियम क्लोराइड का जो व्यापारिक नाम होता है साधारण नमक, जो इसका सूत्र होता है सिंपल है NaCl, शायद पता ही होगा आप लोगों को। और देखिए फ्रेंड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ये भी इम्पॉर्टेंट है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड का जो व्यापारिक नाम होता है कास्टिक सोडा, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, सभी क्वेश्चन को अच्छे से आप समझिएगा। तो देखिए, सोडियम हाइड्रॉक्साइड का जो NaOH, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, NaOH। और देखिए फ्रेंड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे समझिएगा। देखिए, जो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो व्यापारिक नाम होता है खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, तो देखिए कन्फ्यूज मत होएगा सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट में, तो दोनों को अच्छे समझ लीजिएगा। तो देखिए फिर, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र होता है NaHCO3 फ्रेंड्स होता है, NaHCO3, तो सभी को अच्छे समझ लीजिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो देखिए फिर, और अब हमारा अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो जितने अच्छे समझिएगा। तो देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है एस्कार्बिक एसिड होता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, जो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और देखिए फ्रेंड, विटामिन डी का जो होता है कैल्सिफेराल होता है। और देखिए फ्रेंड, विटामिन ई का जो होता है टोकोफेराल, तो सबको अच्छे समझ लीजिएगा, सभी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, सबको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है, तो आंसर अगर आ रहा है तो बताने का प्रयास जरूर कीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और देखिए, सबको डिटेल समझ लीजिए फ्रेंड, तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और देखिए फ्रेंड, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, ये तो आसान है, स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और देखिए, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, जो बच्चों में होता है रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, देखिए फ्रेंड्स ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो दोनों क्वेश्चन को समझिए फ्रेंड्स। तो देखिए,
लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड जो इसका सूत्र होता है N2O होता है। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड N2O, अच्छे समझ लीजिएगा, जो सूत्र होता है N2O, जो रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। और देखिए फ्रेंड जो मीथेन दिख रहा है आपको, मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स गैस। और देखिए इसका जो सूत्र होता है CH4 होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा फ्रेंड CH4। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम नहीं इसमें फ्रेंड्स सूत्र बताना है। तो देखिए फ्रेंड प्लास्टिक ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है वो देख लीजिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। प्लास्टिक ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है फ्रेंड्स एक बार और देख लीजिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। और देखिए जो इसका सूत्र होता है CaSO4 ½ H2O होता है, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा अगर सूत्र पूछे तो। फ्रेंड्स समझ लीजिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है, देखिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन भी है फ्रेंड्स। तो देखिए विटामिन सी का सबसे अच्छा जो स्रोत होता है आंवला होता है, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा आंवला। और देखिए फ्रेंड्स विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है एस्कार्बिक एसिड होता है, इम्पॉर्टेंट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड, तो समझ लीजिएगा फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन, बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है फ्रेंड्स, अभी ऊपर बताए हैं, अच्छे से आप देख रहे होंगे वीडियो तो आपको ज़रूर आंसर इसका आ रहा होगा। तो देखिए फ्रेंड जो बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट है, विटामिन B1 के कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और देखिए फ्रेंड्स इसको भी समझ लीजिए, विटामिन ए की कमी से जनन शक्ति का कम होना होता है, विटामिन ए की कमी से जनन शक्ति का कम होना, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अच्छे समझ लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन है, यहाँ से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से फ्रेंड्स। तो देखिए वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं, विटामिन ए, ये भी सही है, विटामिन डी, ये भी सही है, विटामिन के, ये भी सही है, देखिए ये गलत है, और विटामिन ए, देखिए विटामिन ए चारों वसा में घुलनशील होते हैं, विटामिन ए, डी और के, देखिए सभी यहाँ वसा में घुलनशील है, तो यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन फ्रेंड्स बन सकता है, सबको अच्छे समझ लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन है, अभी आप ऊपर पढ़े वसा में घुलनशील, अब यहाँ पे देखिए जल में घुलनशील, तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर आंसर आ रहा है तो आंसर बताने का प्रयास जरूर कीजिए आप। तो देखिए फ्रेंड्स जल में घुलनशील विटामिन ए सी दोनों है फ्रेंड, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा, देखिए बी और सी जल में घुलनशील होता है। और देखिए फ्रेंड जो वसा में घुलनशील होते हैं, एक बार फिर देख लीजिए फ्रेंड्स, ए, डी, ई, के, तो देखिए ये सब वसा में घुलनशील, और देखिए और बी और सी जल में घुलनशील, तो कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स, अच्छे समझ लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो अभी ऊपर बताए थे फ्रेंड्स, तो देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए अभी सबके बारे में बताएं, और देख लीजिए एनेमिया या विटामिन B6 की कमी से होता है एनेमिया रोग, विटामिन B6 की कमी से एनेमिया रोग होता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो देखिए फ्रेंड्स, विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है थायमीन होता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी सभी के बारे में तो बता चुके हैं पहले, तो अच्छे से समझे ही होंगे। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड्स? तो देखिए फ्रेंड्स, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रेटिनॉल, और विटामिन सी का एस्कार्बिक एसिड, जो रासायनिक नाम होता है। विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल, और विटामिन ई का टोकोफेरॉल, रासायनिक नाम होता है फ्रेंड्स। एक बार फिर से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा जिसे खाने का सोडा के नाम से भी जानते हैं, तो उसका रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए ऑप्शन में नहीं दिया गया है फ्रेंड, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। तो देखिए, जो खाने का सोडा का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऊपर बताए थे फ्रेंड, सोडियम बाइकार्बोनेट। और देखिए जो उसका सूत्र होता है, इसमें नहीं है फ्रेंड। तो देखिए जो उसका सूत्र होता है Na, अभी बताए थे ऊपर Na HCO3 होता है फ्रेंड, तो कंफ्यूज मत होएगा, समझ लीजिएगा। ऑप्शन में नहीं दिया गया है फ्रेंड, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम। तो देखिए फ्रेंड्स, बिना बुझा चूना का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? बिना बुझा चूना का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम ऑक्साइड। देखिए जो सूत्र होता है, बिना बुझा चूना का जो सूत्र होता है CaO होता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, सूत्र CaO, और जो रासायनिक नाम है सोडियम ऑक्साइड, तो कन्फ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शुष्क बर्फ कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो देखिए शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो देखिए शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन को जानते हैं, मार्स गैस कहते हैं फ्रेंड्स, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस, सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए अश्रु गैस का जो रासायनिक नाम होता है क्लोरो एसिटोफिनाल होता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, क्लोरो एसिटोफिनाल। तो अच्छे समझ लीजिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी से होता है? देखिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, विटामिन सी। और देखिए फ्रेंड, विटामिन ए की कमी से जनन शक्ति का कम होना, विटामिन बी के कमी से B1 की कमी से बेरी बेरी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, जो बच्चों में होता है। और देखिए फ्रेंड, हमारा अगला क्वेश्चन, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो फ्रेंड्स, आंसर बताने का प्रयास जरूर कीजिए आप। तो देखिए, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत जो होता है, स्रोत जो होता है फ्रेंड, सूर्य का प्रकाश होता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत सूर्य का प्रकाश। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, अच्छे समझ लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो अच्छी तरह समझ लीजिएगा, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको अच्छे समझ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, विटामिन बी सेवन का जो रासायनिक नाम होता है बायोटिन होता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, बायोटिन। और देखिए फ्रेंड्स, पाइरिडॉक्सिन जो होता है विटामिन सिक्स होता है, विटामिन सिक्स का जो रासायनिक नाम होता है पाइरिडॉक्सिन, विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम बायोटिन, एस्कार्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है फ्रेंड। और देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, फिनेक्विनोन, तो देखिए विटामिन के का रासायनिक नाम होता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है फिनेक्विनोन होता है। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिप्सम का सूत्र बताना है फ्रेंड्स, और रासायनिक नाम भी जानते हैं तो रासायनिक आप जानते रहिए, तो यहाँ पे सूत्र बताना है फ्रेंड। तो देखिए जिप्सम का जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट होता है, रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट। और देखिए फ्रेंड, जो सूत्र होता है जिप्सम का जो सूत्र होता है CaSO4 2H2O होता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप रेगुलर हमारे चैनल में बने रहिए फ्रेंड्स।